दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर नवादा के वारसलीगंज चीनी मिल अब इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। अब यहाँ से चीनी नहीं डीजल पेट्रोल की सेवा मिलेगी। चीनी मिल की जमीन पर 610 करोड़ की लागत से पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट डिपो का निर्माण किया जाएगा। यह जमीन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL को आवंटित की गई है। इस खबर के बाद प्रखंड वासियों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि एशिया महादेश में उन्नत चीनी उत्पादन के लिए मशहूर नवादा जिले का एकमात्र उद्योग वारसलीगंज चीनी मिल 1992 से लेकर 93 पेराई सत्र के बाद बंद हो गया था। 3 दशक से मिल चालू नहीं हो पाया है। अब इसके बाद वारसलीगंज चीनी मिल की जमीन पर पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट डिपो जो कि 610 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। अगली खबर, मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में नीतीश कुमार ने प्रचार करने से किया इनकार। तेजस्वी ने थामी है प्रचार की कमान। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे और उन्होंने पेट में जख्म होने का कारण बताकर इस प्रचार से दूरी बना ली है। दोनों विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार नहीं करेंगे। CM नीतीश कुमार ने कहा कि वो मोकामा और गोपालगंज में प्रचार करने नहीं जा रहे। हालांकि राज्य के राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के इस फैसले पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट में निकली बंपर वैकेंसी, 1.5 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी। अनुवादक के पद पर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका सामने आया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से ट्रांसलेटर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अनुवादक के कुल 39 पदों पर भर्तियां की जाएगी और इसमें नौकरी पाने वाले युवाओं को 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। अगली खबर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में अपने 20वें स्थापना दिवस पर गांधी मैदान में सावधान महारैली का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज को जाति आधारित गणना के नाम पर लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर भ्रमित करते हैं। अपनी जाति की वास्तविक संख्या पता चलने के डर से जाति आधारित गणना कराने से पीछे हट रहे। अगली खबर, बिहार में 10,000 नौकरियों के लिए आवेदन हुआ शुरू। आपको बता दें कि बिहार में बिहार सरकार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत विज्ञापित 10,000 की अधिक पदों के लिए भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। इन पदों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद ही निर्धारित मानदेय प्रतिमा दिया जाएगा। सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी के लिए मानदेय कुल 59,000 रुपए, कानूनगों के लिए 36,000 रुपए, अमीन के लिए 31,400 रुपए और लिपिक के लिए 25,000 रुपए निर्धारित है। अगली खबर, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार की नई सरकार को बनने के बाद राज्य में समान काम समान वेतन पर कार्रवाई होगी। ये भी कहा कि नीतीश तेजस्वी सरकार का गठन हो गया है, इस सरकार ने बहुत उम्मीदें पैदा कर दी है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि हम राज्य में संविदा कर्मी और नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन पर काम करेंगे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजद ने जो भी वादा किया था उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगली खबर, बिहार में अब होमगार्ड जवानों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी, कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 6 एजेंटों को स्वीकृति दी गई थी। अब इसे लागू करने पर मुहर लग गई है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों की तरह होमगार्ड जवानों की आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी का लाभ देने पर सहमति दे दी है। अब ड्यूटी के दौरान मृत्यु या दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग होने वाले होमगार्ड जवानों की आश्रितों को सामान्य प्रशासन के द्वारा लागू किए गए प्रावधानों के मुताबिक लाभ मिलेगा। आश्रितों की श्रेणी में पहले पत्नी, उसके बाद बेटा और बाद में अन्य को रखा गया है। राज्य में कुल 56,000 होमगार्ड के जवान हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्णय किया गया। अगली खबर, मुंगेर में डेंगू की स्थिति विस्फोटक, 48 घंटे में मिले 76 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा अब 460 के पार पहुंच गया है। मुंगेर में डेंगू की स्थिति विस्फोटक हो गई है। अब तक जो इस बीमारी को रोकने के लिए उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। मुंगेर में डेंगू के 29 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 461 हो गई। अगली खबर, RSS ने उड़ाई लालू नीतीश कुमार की नींद। RSS का बिहार प्लान एक्टिव हो गया है। कोरोना का असर कम होने के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता दिख रही है। शाखाओं की संख्या में लगातार बिहार में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। 2021 में जहां 1,033 जगहों पर 1,406 संघ की शाखाएं लगाई जा रही थी, वहीं इस साल शाखाओं की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पूर्व रेंज के क्षेत्र कार्यवाहक डॉक्टर मोहन सिंह ने बताया कि बिहार में साल 2022 में 1,075 स्थानों पर 1,476 शाखाएं लग रही है। अगली खबर, पटना में कंट्रोल नहीं हो पा रहा डेंगू के मामले, छठ पर बिहार आने वाले बढ़ा सकते हैं खतरा।
बिहार की राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम में बदलाव के साथ ही मच्छरों की गतिविधि पटना सहित राज्य के तमाम दूसरे शहरों में बढ़ गई है। दूसरी तरफ डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव के दावे ज्यादातर इलाके में हवा हवाई साबित हो रहे हैं। पटना में तीन दिन के बाद एक बार फिर से डेंगू रोगियों का आंकड़ा बढ़ गया है और लिए गए नमूनों में से 173 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली खबर, नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव भी नहीं जाएंगे मोकामा। अब तक कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया। बिहार में विधानसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। दोनों जगहों पर प्रचार जारी है। बिहार में नए गठबंधन बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा और गठबंधन की ओर से दो सीटों पर राजद के उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि एनडीए की ओर से भाजपा के उम्मीदवार मुकाबले में खड़े हैं। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। दोनों विधानसभा सीटों पर प्रचार जारी है। पेट और पैर में चोट लगने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे। इसके बाद तेजस्वी यादव भी अभी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अगली खबर, अगले लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का बीजेपी प्लान। 150 सीटों पर हो सकती है पीएम मोदी की रैली। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में संशोधन किया है। पार्टी ने अपने क्लस्टर प्लान में संशोधन किया है। बीजेपी बिहार में जीती हुई सीटों को बरकरार रखने के अलावा उन सीटों पर फोकस करेगी जहां पर पिछले चुनाव में गठबंधन के सहयोगियों या फिर विरोधियों को जीत मिली थी। इसी के तहत पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों ने बिहार से क्लस्टर प्लान में पहले से चयनित 4 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर 144 से बढ़कर क्लस्टर सीटों की संख्या 150 हो गई है। इन चुनिंदा सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली होगी। अगली खबर, बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन चुनाव की तारीखें तय कर दी है। इस संबंध में आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 8 दिसंबर को और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 27 नवंबर को होगा। अगली खबर, सिंगापुर से लौटे लालू यादव लेकिन अभी बिहार नहीं आएंगे लालू यादव। इस साल राबड़ी देवी नहीं कर पा रही छठ व्रत। चारा घोटाला में जेल में रहने के कारण राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव की तबीयत खराब होती गई। साथ ही लालू परिवार के छठ महापर्व पर भी ब्रेक लग गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की जमकर तारीफ की। इस कार्यक्रम में जदयू नेता और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के साथ ही राजगीर के विधायक कौशल किशोर भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ब्राह्मण समाज शुरू से समाज को दिशा और मार्गदर्शन देता रहा। अब ब्राह्मण समाज को समाज में भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए चेतना जागृत करने की पहल करनी चाहिए। आज पूरी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रेरित दिखती है। अगली खबर, बिहार सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि कर दी है। सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट ने आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया है। सहायक सेविका का मानदेय 2,250 रुपए से बढ़ाकर 3,500 करने पर मुहर लगी। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनकी मांग थी कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार मानदेय बढ़ाए। साथ ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मी घोषित करते हुए मानदेय के बदले वेतनमान देने, 8 घंटे के काम के एवज में पूर्ण राशि दिए जाने, सभी तरह के सामाजिक सुरक्षा लागू करने और 2019 में हुए समझौते को शीघ्र लागू करने, ICDS में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने समेत कई मांग की गई। अगली खबर, वेतन भुगतान की जटिल प्रक्रिया के खामियाजे का असर। पहले दुर्गा पूजा, फिर दीपावली और अब छठ पर्व पर भी 3 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं। पहले दुर्गा पूजा पर और फिर दीपावली और अब छठ महापर्व पर भी राज्य के लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलने की कम ही संभावना है। पिछले दिनों शिक्षकों के वेतन के लिए 3,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी हुई थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वेतन मिलने पर संशय है। और जिसमें वेतन मिलने की थोड़ी उम्मीद बची है, 25 और 26 अक्टूबर को राशि भेजने की कोशिश भी सफल नहीं हुई थी। शिक्षकों के वेतन की राशि जारी करने में देरी के कारण ने शिक्षकों को सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिल पाएगा। समग्र शिक्षा अभियान यानी कि SSA के तहत 2,66,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। SSA मद से जिन शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है उनके वेतन जारी होने में समस्या आई है। GOB यानी बिहार सरकार मद से राज्य के 66,000 शिक्षकों को वेतन भुगतान होता है। GOB वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान हो गया है।